पर उसका सर्वे करा करके उस बरनाल नदी पर बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की। अर्जुन राम मेघवाल जी, धन्यवाद सभापति। संक्षिप्त जरा। हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में, धन्यवाद सभापति। मांग रखिए बस। सहकारी संस्थाओं को भारतीय आयकर अधिनियम के तहत पहले छूट प्राप्त थी, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, भूमि विकास बैंक है, कोई भंडार है, जीएसएस है, ये ग्रामीण क्षेत्र में शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और लॉन्ग टर्म भी लोन देते हैं। इनको जब इनकम टैक्स की छूट प्राप्त थी तो ग्रामीण जनता को लोन थोड़ा कम ब्याज दर पर मिलता था। अभी कुछ सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छूट थी वो समाप्त कर दी गई और इससे पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट को धक्का लगा। पूरे देश में ये डिमांड है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये माना कि कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आप मान सकते हो, लेकिन जब बरसों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे इनकम टैक्स में छूट थी तो अब ये क्यों लागू की गई है? तो मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से मांग है कि ये जो सहकारी संस्थाएं हैं को कृषि क्षेत्र में सीमांत कृषकों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन देती हैं, तो इनको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण के ब्याज के रूप में अधिक भार उठाना पड़ रहा है अगर इनकम टैक्स होगा। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि सहकारी संस्थाओं और बैंकों को, जो सहकारी बैंक है उनको इनकम टैक्स की छूट जो वापस ले ली गई है उसको बहाल किया जाए, जिससे इनकम टैक्स की छूट जारी रखी जाए। ये मेरी डिमांड है आपके माध्यम से, समय दिया उसके लिए। धन्यवाद। The house stands.